वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अवर एमसीक्यू सीरीज पार्ट टू। तो हमने पहले इससे पहले एमसीक्यू सीरीज पार्ट वन देखी थी, जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डायलिसिस से रिलेटेड। बहुत बेसिक से लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज का ये पार्ट टू होने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट टू ऑफ द सीरीज, लेट्स गो। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बनता है अपना? मैंने जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो सेम पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर सेम ही इंक्लूड किया है। तो आपको इन द एंड जब आप 10 या 12 जितने भी पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के, जब आप उनको कवर अप कर लेंगे तो आपको पता लगा आपने 200 से 300 क्वेश्चंस डायलिसिस से रिलेटेड सॉल्व कर लिए हैं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ। तो सेकेंड पार्ट का ये 16th क्वेश्चन, तो ड्यूरिंग डायलिसिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स वैन, डायलिसिस के दौरान अल्ट्राफिल्ट्रेशन कब बंद होता है? तो ऑप्शन ए इज़ वाटर इज रिमूव फ्रॉम ब्लड बिकॉज देयर इज़ अ प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी सेज फॉस्फोरस इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड बिकॉज डायलिसिस इज लो ऑन फॉस्फोरस। ऑप्शन सी अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम कॉज वाटर टू मूव फ्रॉम ब्लड कंपार्टमेंट इन टू द डायलिसिस। ऑप्शन डी अ सक्शन डिवाइस इज अप्लाइड टू द वीनस ट्रैप एंड अ हार्वर्ड क्लैंप इज अप्लाइड टू द आर्टेरियल साइड ऑफ द ब्लड सेट। अपने आंसर को जल्दी जल्दी नोट करें, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग डायलिसिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स व्हेन, डायलिसिस के दौरान अल्ट्राफिल्ट्रेशन कब होता है? तो इसका सही आंसर है वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड बिकॉज देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ब्लड कंपार्टमेंट और डायलिसिस कंपार्टमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और हमें पता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, या कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया होता है ब्लड की तरफ, और लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एरिया होता है डायलिसिस साइड पे। तो इस कारण से जो फ्लूइड के अंदर वाटर या जो पार्ट होगा वो मूव आउट करेगा। तो वाटर इज रिमूव फ्रॉम ब्लड बिकॉज देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट को सही तरीके से दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है फ्लूइड इनसाइड द सेल्स, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को कह रहा है फ्लूइड इनसाइड द सेल्स। ऑप्शन बी सेज ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ऑप्शन सी सेज फ्लूइड बिटवीन द सेल्स, इंट्रावेस्कुलर बिटवीन द सेल्स। एंड ऑप्शन डी सेज फ्लूइड इनसाइड एंड बिटवीन द सेल्स। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको टिक करें, और फिर हम इसका राइट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो द राइट एक्सप्लेनेशन इज ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इंट्रावेस्कुलर, जब भी बात हो रही है इंट्रावेस्कुलर की, वेस्कुलर वेसल्स ही होगी, तो इंट्रावेस्कुलर्स के बीच में ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स इंट्रावेस्कुलर होगा, और जब भी सेल्स के बिटवीन होगा तो वो इंट्रासेलुलर होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग डायलिसिस लेवल ऑफ वेस्ट इन द ब्लड शुड, अब जब डायलिसिस का प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वेस्ट का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, या वो सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन आपको लगता है सही है उसको टिक करें, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, बहुत बेसिक, लेवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स इन द ब्लड विल डिक्रीज, बहुत ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 19th क्या कहता है हमारी सीरीज का? Which of the following factor affect the rate of diffusion? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए इज प्रेशर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी इज फ्लो रेट, ऑप्शन सी इज हाइड्रोलिक प्रेशर, ऑप्शन डी इज सर्फेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। आप अपने ऑप्शन को टिक करें और उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो सरफेस एरिया जब भी इंक्रीज हो जाएगा किसी मेम्ब्रेन का, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। कंसंट्रेशन डिफरेंस भी और डिफ्यूजन डिस्टेंस, ये सारा मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिफ्यूजन डिस्टेंस को। कंसंट्रेशन डिफरेंस भी जो होता है दो फ्लूइड्स के बीच में, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर सीरीज।
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलाइजर करेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा एक करेक्टरिस्टिक है जो डायलाइजर का नहीं है। ऑप्शन ए इज कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज क्लियरेंस, ऑप्शन सी इज बायोकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन डी इज मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ। तो अपने आंसर को टिक करें एंड वी विल सी कौन सा नहीं है, नॉट अ डायलाइजर करेक्टरिस्टिक। सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, द आंसर ऑफ दिस विल बी कैपेसिटी। कैपेसिटी एज सच कुछ नहीं होता डायलाइजर, जब भी हम डायलाइजर की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं। क्लियरेंस रेट हम जरूर देखते हैं कितना सॉल्यूट क्लियर हो रहा है कितने मिनट के अंदर। बायो कंपेटेबल है हमारा डायलाइजर कि नहीं है, पॉलीसिल फोन्स जनरली आजकल बायो कंपेटेबल होते हैं, जो पुराने वाले नेचुरल फाइबर्स से हम बनाते थे सेलुलोज वगैरह या हीमोफेन वगैरह से, वो डायलाइजर बायो कंपेटेबल नहीं होते थे। फिर मॉलिकुलर वेट कट ऑफ हम देखते ही हैं डायलाइजर का कि कितने सॉल्यूट्स के वेट मॉलिक्यूलर वेट तक वो क्लियरेंस कर दे सकता है हमें, बट कैपेसिटी एज सच कोई करेक्टरिस्टिक नहीं होता डायलाइजर का। मूविंग टू द 21st क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिमूव सॉल्यूट्स, इनमें से कौन सा एक मेथड है रिमूवल का सॉल्यूट्स का। ऑप्शन ए इज कन्वेक्शन, ऑप्शन बी इज सक्शन, ऑप्शन सी इज सरफेस एरिया, ऑप्शन डी इज इरिडेशन। तो इनमें से कौन सा एक मेथड है जिसके थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं सॉल्यूट्स को। आप अपने ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, द आंसर विल बी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन होता है सॉल्वेंट ड्रैग, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट्स जब भी मूव करता है उसके साथ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं और वो ड्रैग आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं बाहर की तरफ, सॉल्वेंट ड्रैग भी बोलते हैं इसी कारण से। तो सॉल्वेंट ड्रैग में कन्वेक्शन इज़ अ वे टू रिमूव सॉल्यूट्स। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज इट सेज, नेम द टू कंपार्टमेंट ऑफ अ डायलाइजर, डायलाइजर के दो कंपार्टमेंट्स के नाम बताइए। तो ऑप्शन ए इज कन्वेंशनल एंड हाई फ्लक्स, ऑप्शन बी इज कन्वेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इज़ ब्लड एंड डायलिसिट, ऑप्शन डी इज़ हॉलो फाइबर एंड फाइबर प्लेट। अपने ऑप्शन को टिक करें और फिर हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का क्या होगा। ओके, टू मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, डायलाइजर के अंदर सिर्फ दो ही कंपार्टमेंट होते हैं, एक ब्लड कंपार्टमेंट होता है, एक डायलिसिट कंपार्टमेंट होता है। ब्लड कंपार्टमेंट में मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है, डायलिसिट कंपार्टमेंट में डायलिसिट होता है, और इनके बीच में डिफ्यूजन होता है। जनरली जब भी हम डायलिसिट और ब्लड फ्लो कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो होलो फाइबर्स और डायलिसिट मतलब इसके अराउंड, होलो फाइबर के अराउंड हमारा डायलिसिट होता है, और इनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर करते हैं, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म के रीज़न यही होता है कि दिस वे वी कैन अचीव हाइपोथेटिकली द मैक्सिमम सरफेस एरिया, जिसके कारण मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। उसके बाद मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ आवर सीरीज, ये क्या कहता है, डायलिसेट इज़ अ फ्लूइड दैट हेल्प्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, चूज अ ग्रुप बिलो दैट माइट बी प्रिस्क्राइब फॉर डायलिसेट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहता है डायलिसेट क्या है, इज़ अ फ्लूइड जो हेल्प करता है रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, आप कोई इनमें से ऑप्शन को चूज़ करें जिनके अंदर वो सही सब्सटेंसेस का ग्रुप प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज़ बाइकार्बोनेट सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी इज़ मैग्नीशियम क्रिएटिनिन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी इज़ क्लोराइड ग्लूकोज एंड यूरिया, ऑप्शन डी इज़ बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन कैल्शियम एंड सोडियम। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर बेसिकली दिख ही रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जब भी हम डायलिसिट की बात करते हैं तो उसमें बाइकार्बोनेट होता है, उसमें सोडियम होता है और उसमें पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम सही है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, बट क्रिएटिनिन कभी भी नहीं होता। इस केस के अंदर यूरिया कभी भी नहीं होगा, और इस केस के अंदर बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स तो हम रिमूव करते हैं डायलिसिट के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। मूविंग टू द 24th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, सो वट डज इट सेज, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रपोर्शनिंग यूनिट। प्रपोर्शनिंग सिस्टम हमने डायलाइजर डायलिसिट फॉर्मेशन के टाइम हम पढ़ेंगे, प्रपोर्शनिंग सिस्टम, तो उसका पर्पज़ क्या रहता है, क्या उसका मतलब मेन पर्पज़ है। तो मॉनिटर द डायलिसिट फ्लो रेट, मॉनिटर द ब्लड लीक्स, चेक द कंडक्टिविटी ऑफ डायलिसिट, एंड ऑप्शन डी इज मेक डायलिसिट बाई मिक्सिंग द फ्रेश कंसनट्रेट
विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रीटेड वाटर। सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, मेक अ डायलिसिट बाय मिक्सिंग फ्रेश कंसनट्रेट विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रीटेड वाटर। ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से बाद में जब हम प्रपोशनिंग सिस यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर कंसनट्रेट और एसिड पार्ट्स प्रॉपर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब ही वही होता है, प्रॉपर रेशियो के अंदर मिक्स होते हैं आर ओ वाटर के साथ, और उनका डी गैसिंग वगैरह सब करके उनको फिल्टर आउट करके फिर मशीन्स तक प्रोवाइड किया जाता है। इस सारे मैकेनिज्म को सी डी एस सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल डायलिसिट डिलीवरी सिस्टम, सी डी एस सेंट्रल डिलीवरी सिस्टम। हाउएवर जो हमारा क्वेश्चन था वो था पर्पस ऑफ प्रपोर्शनिंग यूनिट। तो प्रपोर्शनिंग यूनिट का पर्पस सिंपल है, बहुत बेसिक, कि हम डायलिसेट को मिक्स करते हैं प्रॉपरली, कंसनट्रेट्स को, एसिड और बेस पार्ट को, सबको बराबर मात्रा में मिक्स करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25th, वो क्या कहता है डायलिसेट कंडक्टिविटी मेजर क्या करती है। ऑप्शन ए इज द टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑप्शन बी द टोटल नंबर ऑफ थर्मोसिस्टर्स इन अ सॉल्यूशन, ऑप्शन सी टोटल नंबर ऑफ ml पर सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज टोटल नंबर ऑफ ग्रेडियंट्स इन अ सॉल्यूशन। तो सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर। तो इसका आंसर बहुत बेसिक है, आंसर ए विल बी द राइट आंसर, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ अ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जनरली 14 के अराउंड होती है, 135-140 सोडियम के अराउंड, 14 के अराउंड रहना चाहिए कंडक्टिविटी। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिली साइमंस पर सेंटीमीटर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कंडीशंस अकर ड्यू टू डायलिसेट दैट इज टू हॉट। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला डायलिसेट होता है तो उसका क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखना पड़ेगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पेशेंट्स के अंदर, हीमोलाइसिस देखने को मिल सकता है, सी पायरोजेनिक रिएक्शन एंड डी ऑप्शन इज सेप्टिसीमिया। तो इनमें से सबसे वैलिड आंसर को आप टिक करें एंड वी विल सी द आंसर। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, द आंसर विल बी हीमोलाइसिस। जब भी ब्लड बहुत ज़्यादा और डायलिसेट के कंटेक्ट में आता है तो उसके कारण क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 सेज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। दो टाइप के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम्स के नाम बताइए। ऑप्शन ए इज वॉल्यूमेट्रिक यू ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन एंड फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी इज फ्लो रेट एंड यू एफ आर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन सी इज टी एम पी एंड यू एफ आर, ऑप्शन डी इज प्रपोर्शनिंग सिस्टम एंड फ्लो कंट्रोल। सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, द आंसर विल बी ऑप्शन ए वॉल्यूमेट्रिक यू ऑफ कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो जनरली दो टाइप्स के फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम है, सॉरी, एक है वॉल्यूमेट्रिक यू ऑफ कंट्रोल, दूसरा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के अंदर हमारे पास सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में डायलिसेट में कितना डायलिसेट जाएगा, कितना डायलिसेट निकलेगा, उसके लिए हमने फ्लो मीटर्स में सेंसर्स लगा रखे होते हैं। जबकि जो वॉल्यूमेट्रिक यू ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें बैलेंसिंग चैम्बर्स प्रेजेंट हुआ करते थे, वो बैलेंस करते थे कितना यू एफ निकल रहा है, कितना जा रहा है, कितना डायलिसिट जाना चाहिए, कितना वापस आना चाहिए। तो सिंपल है, ओल्डर सिस्टम्स नो डायरेक्ट कंट्रोल, ट्रिकी एंड डिपेंड्स ऑन डायलाइजर प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल ऑफ प्रेशर्स, एरर लीड टू एक्सेस वाटर रिमूवल। करंट सिस्टम इज वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल, सिस्टम ए फ्लो सेंसर बेस्ड है, सिस्टम बी बैलेंसिंग चैम्बर है। बस फ्लो सेंसर लिमिट डायलिसिट फ्लो रेट, नो लिमिटेशन विद बैलेंसिंग चैम्बर, बैलेंसिंग चैम्बर आजकल यूज हो रहे हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट। इनमें से कौन सा एक पार्ट है जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज ब्लड लीक डिटेक्टर, ऑप्शन बी ब्लड पंप, ऑप्शन सी हेपरिन इन्फ्यूजन लाइन एंड डी इज ड्रिप चैम्बर। सही आंसर को टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के अंदर बहुत बेसिकली इन्होंने बता दिया था एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट की जब भी बात होती है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में कभी भी ब्लड लीक डिटेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअल मशीन का एक पार्ट है। और ब्लड लीक डिटेक्टर का काम क्या होता है, लाइट बीम इज इंटरप्टेड बाय ब्लड इन एंड एन अलार्म विल साउंड द ब्लड पंप विल स्टॉप। जब भी कभी आपको लगेगा डायलिसिट डायलाइजर के अंदर अगर ब्लड मूवमेंट हुआ, डायलाइजर आपका रप्चर हुआ,
तो डायलिसेट साइड के अंदर ब्लड आरबीसीज जाएंगे, और जब ये जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लगाया होता है। अब अगर ये एक लाइट इमिट करता है और जब ये आरबीसीज के अंदर आएंगे तो लाइट जो होगी ये इंटरप्ट होगी, जब ये लाइट इंटरप्ट होगी तो वो अलार्म करता है। इस वे पे हमारा ब्लड लीक डिटेक्टर काम करता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसड्यूसर प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है ट्रांसड्यूसर की प्रॉपर्टीज़ को, कौन सा स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज पंप दैट मूव्स ब्लड थ्रू द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, ऑप्शन बी डिवाइस इनसाइड द मशीन दैट कन्वर्ट एयर प्रेशर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ऑप्शन सी ट्यूबिंग दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द पेशेंट एक्सेस टू द डायलाइजर एंड बैक टू द एक्सेस, ऑप्शन डी सिस्टम दैट रिमूव्स ब्लड फ्रॉम द रिमूव्स वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो सही ऑप्शन को टिक करें जो डिस्क्राइब करता है ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर को बेहतरीन तरीके से। सो मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डिवाइस इनसाइड द मशीन दैट कन्वर्ट्स एयर प्रेशर इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है, तो यही करता है कि जो होता है कन्वर्ट करता है एयर प्रेशर को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर, और ये हमारा ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर है। इसका मेन काम ये होता है कि अगर कोई लिक्विड पार्ट वगैरह कुछ हमारे ट्रांसड्यूसर के कंटेक्ट में आए तो ये ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर खुद अपने आप को, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, खुद को डैमेज करवाएगा पर आपके ट्रांसड्यूसर कभी भी डैमेज नहीं होंगे। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज, सो ऑल दो डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम हैव बैकअप मॉनिटरिंग सिस्टम, इज इट क्रूशियल दैट द मॉनिट, ऑप्शन ए कह रहा है द मॉनिटरिंग सिस्टम बी चेक्ड एंड कैलिब्रेटेड ऑन अ शेड्यूल रिकमेंडेड बाय द मैनुफैक्चरर, कनेक्टिविटी एंड पीएच बी वेरीफाइड बाई इंडिपेंडेंट मीटर्स बिफोर इज डायलिसिस ट्रीटमेंट एंड वेन एवर द ट्रीटमेंट इज चेंज्ड, ऑप्शन सी इज ऑल अलार्म सिस्टम टेस्टेड प्रायर टू ईच डायलिसिस ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द राइट एक्सप्लेनेशन। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, इनमें सारी स्टेटमेंट सही है, द मॉनिटरिंग सिस्टम बी चेक एंड कैलिब्रेटेड, शेड्यूल के ऊपर चेक और कैलिब्रेशन होना चाहिए उसका, कंडक्टिविटी और पीएच को भी वेरीफाई करना चाहिए इंडिपेंडेंट मीटर्स के थ्रू डायलिसिस ट्रीटमेंट के दौरान, सभी अलार्म सिस्टम्स को प्रायर टेस्टिंग उनका होना चाहिए डायलिसिस ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को देने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू सीरीज, होप यू एंजॉयड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।